तो हाय दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बेहतरीन वीडियो के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके जो है सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। तो हाय दोस्तों, मैं सूरज मंडोल और आप देखें मेरा चैनल ज्वेलर वर्ल्ड। दोस्तों देखिए, आज एक फैंसी टॉप्स जो कि 4 ग्राम का बनेगा, देखिए ताश मार के आपके सामने अभी तैयार है। लेकिन एक ऐसे बनाया हूँ मैं, आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये देखिए, ये मोम में जा जब था तब का वीडियो। ये बहुत ही सिंपल सा एक ये प्रॉप से। तो जल्दी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटे को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले जो है मैं तार लूँगा, ये जो है 4 ग्राम होने वाला है, तो मैं ज़्यादा गेज यूज़ करूँगा। तो देखिए, ये तेज गेज का तार है, तेज गेज नॉर्मली जो है 24 या 25 गेज से बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा होने वाला है तो इसलिए तेज गेज का तार इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी ये काला मोम है, आप जानते हैं मैं एक अंदाज से एक साइज चूज़ कर रहा हूँ कि कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा जब भी बनाता हूँ, आप देखते हैं कि मैं हमेशा मोम में साइज चूज़ करता हूँ। इसमें 6 आएगा केडी, जो पीस है ना उसे कहेंगे केडी। तो देखिए, मैं पहले माप बना के चेक करूँगा, बड़ा सा साइज का लिया मैंने, कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए, आपको और भी एक सीखने को मिलेगा कि केरी कैसे बनता है। देखिए मैं इस तरह से बनाता हूँ, देखिए एक तरफ छोटा रखना है, एक तरफ बड़ा रखना है। जब सलाई पे बैंड देंगे तब एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा रहेगा, फिर कम से कम 6 होगा एक टॉप्स में, इसलिए मैं और भी 3-4 काट के चेक करूँगा। ये देखिए, जब बैंड देंगे, ये देखिए एक साइड थोड़ा कम रखना है, एक तरफ थोड़ा ज़्यादा रखना है, इससे भी कम रखेंगे तो चलेगा। जैसे मैं जितना मैं कम रखा एक साइड, उससे भी कम रखेंगे तो भी अच्छा है। इस तरह से बैंड देके इसको बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है आपके लिए ऐसे ही हमेशा वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपका काम का वीडियो है, अच्छा लगता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटे को भी ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत उसका SMS मिल जाएगा, आप तुरंत उसको देख सकेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ये भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अच्छा लगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इससे मुझे फ़ायदा होता है और आप डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से तेज गेज तार से ये बनाना है, 6 से 12 पीस लगेगा। ये देखिए, मैं चेक कर रहा था, मतलब मुझे ठीक ही लगा था तो इसलिए मैंने 6 वॉट बना दिया था। अभी देखिए, मैं थोड़ा सोना गिलाऊंगा, पास्टर बनाना है। ये देखिए, इस तरह से मैं 4-5 ग्राम का जब सोना होता है तो आप इस तरह से छोटा गन से गिला सकते हैं, उसके लिए बड़ा गन नहीं लगता। जो मशीन है, जो आटने का मशीन रहता है, भट्टी इलेक्ट्रिक जो मशीन रहता है, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा सोना डाल के मैंने ये गिला लिया, अभी पास्टर बनाऊंगा मैं इससे। ये देखिए, मेरा दोस्त अनिल पास्टर बना रहा है, तो इस तरह से पास्टर बनाना है चौड़ा करके थोड़ा। पास्टर बनने के बाद मैं इस पर लाइलिंग लगाऊंगा, जो है आड़ा लाइलिंग होने वाला है। तो अभी देखिए, लाइलिंग हो गया, ये देखिए अपना कार्य देखिए। अभी ये जो है सारे पीस को पास्टर पे शोल्डर करना है, 6 पीस होगा लेफ्ट साइड करके और 6 पीस होगा राइट साइड करके। आपको बाद में पता चलेगा लेफ्ट राइट में क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए साइड, अभी जो है ये कौन सा साइड, देखिए ये एक साइड में मैं बिठा रहा हूँ इसको, ये 5 होगा, ये 6 हो गया। अब ये वाला देखिए, दूसरा साइड से बिठा रहा हूँ, तो ऐसा बिठाना है, इसको कहते हैं लेफ्ट राइट। इसको शोल्डर करना है केडियम लगा के, ये बहुत ही आसान है शोल्डरिंग के लिए, बहुत ही आसान, तार भी जा रहा है और पास्टर को शोल्डर करना है तो बहुत ही आसान है। तब शोल्डर के बाद इसको सिंगल सिंगल करके काट लेंगे, अगर अभी नहीं काटते तो भी चलता था, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर जो तार मैंने शोल्डर किया था ना
अभी जो ऐसा है एक साथ है ऐसे ही, अगर इससे एक साथ रख के शोल्डर करते तो अच्छा होता था, लेकिन मैंने काट दिया था तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि पहले ही अगर ऐसा तार शोल्डर करना है तो उसमें एक साथ जब पहले रहेगा तभी शोल्डर करना चाहिए, उसके बाद काट करना लेना चाहिए, क्योंकि अभी सिंगल सिंगल हो गया, एक एक करके बिठाओ फिर साजाओ ऐसा प्रॉब्लम होता है। देखिए ऐसे माप करके मैंने तार काटना है, इसके ऊपर से इस तरह से होने वाला है। देखिए तार काट लिया, उसको बेंड भी कर लिया, अब इस वाला पानी में रख के इसके ऊपर इस तरह से सजाना है। देखिए ये देखिए अभी सिंगल सिंगल सजा लग रहा है, हिल रहा है पीस जो है हिल रहा है, तो इसलिए जब एक साथ रहता था तभी अच्छा था ये तार सोल्डर करने में। तो हो गया वो, छोड़िए अभी अभी देखिए इसको सोल्डर करना है आराम से, तार हिल ना जाए। शोल्डर होने के बाद इसको हल्का बैंड देना है, देखिए इसे उल्टा रखना है और हल्का बैंड देना है, हल्का बैंड दूंगा एक मैं करके चेक कर रहा हूँ, लेकिन चेक करने के बाद सही हो गया तो चार पांच रख के एक साथ बैंड दे देंगे। अभी बैंड दे दिया, अब ये काला मोम देखिए, ये काला मोम कैसे बनता है इसका वीडियो भी है अवेलेबल है मेरा चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं वीडियोज में। तो देखिए अब ये मैं सजाऊंगा छे करके। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो के आखिर में अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक में। तो देखिए एक फूल बन चुका है, दूसरा फूल। तो अब ये देखिए लगभग ठीक ठाक हो गया है, इसके अंदर 4 डिग्री वो बॉल बनी है। देखिए दोस्तों ये बॉल बनी लगाने के बाद क्या होगा, अभी और एक फूल जो ऊपर का अपने फूल देखा वो काटना है। तो देखिए इसके लिए भी तार काटूंगा मैं, ये जो तार है ऊपर का थोड़ा बारीक है, तो देखिए इस तरह से प्रदीप मैंने जो है काट भी लिया और बैंड देके इस तरह से उसको डिजाइन करना है। देखिए इस तरह से बनाना है, सिंपल है, ज़्यादा मेहनत नहीं है प्रदीप बनाने में। तो अभी ये जब बन जाएगा तो देखिए सोगा पानी के अंदर डाल दिया, सोगा पानी तो लगता ही है शोल्डर करने से पहले। अब इससे फूल बनाऊंगा, छे छे करके फूल बनाना है। देखिए दोस्तों अभी शोल्डर करना है संभाल के, ऐसे लंबा केरियम से जब आप शोल्डर करेंगे लंबा फड़ा से, तो ताकि हिल ना जाए साधन के साथ। तार जा रहा है और फूल भी बड़ा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिंगल सिंगल काटना है। ये देखिए कांसला, इसको हल्का इससे मैंने खोल दिया, ये देखिए हल्का सा बैंड दिया, डीप हल्का डीप, ज़्यादा डीप नहीं हल्का सा। फिर इसके ऊपर रोवा बनाया मैंने, रोवा शोल्डर करेंगे, ठीक है रोवा के ऊपर बाद में ताश हो जाएगा। एक क्रीम लगाया, जब एक क्रीम लगाएंगे तो हल्का हाथों से लगाना है, ज़्यादा हीट देंगे तो पूरा क्रीम जो है फूल पे चल जाएगा, फूल पे फैल जाएगा, अच्छा नहीं लगा, अच्छा दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मैंने लगा दिया, इस तरह से भी लगाना है, हिल रहा है तो नीचे थोड़ा मोम से सपोर्ट देने के लिए
फूल बिठाया। दोस्तों ये टॉप्स तो फिलहाल तैयार हो चुका है, अभी और थोड़ा काम बाकी है। तो देखिए इसके अंदर जो है प्लास्टर डालना है, इधर प्लास्टर डाल दिया। तो जब ये सूख जाएगा तो हल्का ठंडा होने के बाद ये सूख जाता है, हल्का गर्म करेंगे और इसको निकाल लेना है। तो देखिए मोम में निकाल लिया और हल्का जो मिट्टी का तेल होता है घासलेट केरोसिन ऑयल उससे सफाई करना है। फिर सफाई करने के बाद इसको सुखाएंगे और जो है शोल्डर करेंगे। शोल्डर देखिए सिंपल सा शोल्डरिंग है, लेकिन जो अंदर से देखिए जो गैप है ना, इसमें जो छोटा सा ऊपर से जो फूल लगाया था पास्टर का जो फूल लगाया था ना वो लाल नहीं होता, तो इसमें थोड़ा देखना होगा आपको। ऐसे ही गन को हिलाते रहना है, उधर गन को हीट मारते रहना है और साथ ही साथ वो पास्टर में थोड़ा केडियम रख के रखना है, वो फूल के साथ पास्टर और फूल के बीच में थोड़ा केडियम रखेंगे, हल्का हल्का हीट देंगे तो वो लाल हो जाता है, आस्ते आस्ते जो है फूल के साथ वो पकड़ लेता है। और देखिए इसके बाद मैंने अंदर एक बॉल लगाया 4 डिग्री का गैप को, गैप में, क्योंकि इसके अंदर एक नली लगाएंगे स्क्रू। अब स्क्रू कैसे बनते हैं अगर आपको देखना है तो ऊपर जो इधर आई बटन है, नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसका पूरा वीडियो अवेलेबल है। लेकिन जो है देखिए प्लास्टर से अभी मैंने निकाल लिया, इसको एसिड करेंगे। एसिड करने के बाद का ये देखिए ये डिज़ाइन देखिए, अभी मेरे पास जो है ताज पॉलिश का भी वीडियो है, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ताज पॉलिश के बाद ऐसा कुछ इसका हालत है। तो अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। ये 4 ग्राम का टॉप्स है, 2 टॉप्स थोड़ा वजन है, 3 ग्राम में बन जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपके साथ वापस मिलेंगे कि नए वीडियो के साथ।